थानेदार तो थानेदार है, थानेदारिन ज्यादा अपनी महिमा गा लेती है। इस समय में जितनी माताएं बैठी हैं, जिनके पति शिक्षक हैं, टीचर हैं, मास्टर हैं, गुरुजी हैं, पढ़ाते हैं, उनको तो सब व्हाट्सअप कहते ही हैं। माताएं बिना परीक्षा दिए मास्टर नहीं बन जाती हैं। वो बेचारा दौड़ भाग करके जाता है पुलिस में, थानेदार बनता है, ये थानेदारिन वैसे घर बैठी बैठी बन जाती है। कोई पदपति का होता है अर्धांगनी आधा उसको अपने आप मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन इसका रुतबा अच्छा होना चाहिए, ज्यादा खराब नहीं। कुछ माताओं का अहंकार हो जाता है, मैं तो भाई कोई कुछ नहीं है संसार में। अहंकार जिसको है उसको ये समझ लेना चाहिए कि कोई भले ही आकाश में उड़ रहा है, बहुत बड़े आसन पर बैठा है, सारा जगत उसको जानता है, भले ही कोई रोड पर झाड़ू लगा रहा है, पंचभूतों की देह पंचभूतों में मिल जाएगी, माटी का पुतला है वो उसके पास भी है और वो आपके पास भी है। सम्मान है तो पद का, सम्मान है तो प्रतिष्ठा का, सम्मान है तो विचार का होना चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं, क्योंकि वो भी जाएगा और हम भी जाएंगे। पांच भूतों की देह उसकी भी है, वो भी मिट्टी में मिलेगी और हमारी भी। किस बात का अहंकार, कैसा अहंकार, किस बात का घमंड, जिसको लेके घूम रहे हैं वो हमारा नहीं, क्या आपके बस में है? जब जियो जब मरो जब मर जाओ, जिस जो शरीर है वो भी हमारे बस में नहीं है, तो फिर किस बात का अहंकार हम लोग कर लेते हैं। और पत्नियां तो खैर सौभाग्यशाली होते हैं जिनको अच्छी मिल जाती है, लेकिन चिंता मत करो जिनकी अच्छी नहीं, क्योंकि तुकाराम जी की पत्नी जैसी तो नहीं होगी ना। नरसी राम जी, एक नाथ जी और तुकाराम, तीनों पहुंचे हैं एक साथ एक मंदिर, एक एक करके बारी बारी से भगवान को धन्यवाद दिया एक नाथ जी ने, प्रभु इतनी अच्छी पत्नी दी कि दिन रात भजन करता हूँ, साथ निभाती है, सेवा करती है संतों की, लाख लाख धन्यवाद। नरसिंह राम जी की पत्नी अंत में शांत हो जाती हैं, तो नरसिंह मेहता कहते हैं कि भलो थयो जो भागी गयो, जंजाला बेमु प्रेम थी जपी सकूं हरि गोपाल। बढ़िया रोज परी की थी, जब तक तो बढ़िया था, अब नहीं थी तब भी बढ़िया। तुकाराम जी, हे ठाकुर अच्छा रहा जो इतनी खतरनाक पत्नी दे दी, अच्छी दे देता तो मैं उसके मोह में पड़ जाता, तेरे भजन नहीं कर पाता। हर समस्या में धन्यवाद, हर परिस्थिति में धन्यवाद। तुकाराम जी की पत्नी तो इतनी खतरनाक थी, एक बार गन्ने की फसल तो इतनी बड़ी रस्सी दे दी, गन्ने बांध के ले आना सांटा गन्ना। तुकाराम जी गए, बड़ी गठरी बांधी सर पे रखी चल पड़े, छोटा छोटा छोरा छोरी पाचे दौड़ गया, काका एक मने ही दे दो, एक मने भी दे दो, एक 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 सब गन्ने बांट दिए, एक गन्ना बचा। तुकाराम जी के पास घर पहुंचे, पत्नी ने देखा इतनी बड़ी रस्सी दी और एक गन्ना उठा लाया, गुस्सा आयो जोरदार, हाथ में से गन्ना लिया और मारा तुकाराम जी की पीठ पे, गन्ने के कितने टुकड़े हो गए। तुकाराम जी को क्या करना चाहिए था भाइयों, धोबड़ों उठा लेना तो जदी खबर पड़ती, पर तुकाराम जी ने ऐसा, तुकाराम जी मुस्कुरा के कहते हैं वाह देवी थारी कृपा वेगी, अब दो टुकड़ा वेगी, आधो थू खा ले आधे मुंह खा लू, टेंशन मत कर, सोच रही हो तो कि एक ही से तू खाई कि मुंह खाऊ, बढ़िया है। ऐसी ऐसी देवियों को लेकर के भी लोगों ने भक्ति करी, एक ही टेंशन है कि